अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो देख सकते हैं आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया चिकन, केएफसी चिकन बनाने की रेसिपी। तो देख सकते हैं ये कितना क्रंची है, वाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बने हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम चिकन ले लिए हैं, चिकन के पीसेस को हमने ले लिया है और अब हमें इसे क्या करना है, इसमें हमें कट लगाना है। तो चलिए हम कट लगा लेते हैं इस तरीके से, हल्का 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 ही हल्का कट लगाइएगा। इसी तरीके से हम पूरे पीसेस में कट लगा लेंगे। ये देखिए अब हमें इसमें ऐड करना है हाफ लेमन। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। मैं इसमें हाफ लेमन ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ हाफ टीस्पून के हिसाब से। मैं इसमें नमक ले रही हूँ। अब हमें इसे करना मिक्स। इससे हमारा क्या होता है ना, हमारा चिकन एकदम साफ हो जाता है बिल्कुल भी और बहुत जूसी बनेगा हमारा चिकन। हमारा केएफसी स्टाइल चिकन आज बनाने वाले हैं। तो हमें इसे मैरिनेट कर लिया है हमने। इसे हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमें इसे कर लेना वॉश अच्छे से। उसके बाद हम इसके मैरिनेशन का तैयारी करेंगे आगे। चलिए तो जब तक हमारा चिकन हो रहा है मैरिनेट, तब तक हम अपनी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए मैंने, फर्स्ट कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 2 अंडे और यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें कुछ ज़्यादा कुछ हमें इसमें ऐड नहीं करना। बस मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। तो मैं इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून के करीब मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ और वही उसमें से ही इसमें भी थोड़ा सा ऐड कर ले रही हूँ। अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा लीजिएगा। बस फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और हमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट में ले रही हूँ हाफ टीस्पून के हिसाब से, देख सकते हैं। और थोड़ा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंडे में। और बाकी हमारा मैरिनेशन में तो नमक है ही, तो इसीलिए उतना ही ऐड करना है हमें। बस ये हमारा कोटिंग तैयार हो जाएगा। और मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, मैदे में ही मैं कॉर्नफ्लोर लूँगी। तो मैं तो यहाँ मैं 1 चम्मच दो चम्मच तीन चम्मच में कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ इसमें। और हमें इसे कर देना है मिक्स। बस हमारी कोटिंग हो गई है तैयार। इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसमें आप ब्लैक पेपर डालना है हमें और सॉल्ट डालना है। बस इतने में हमारा कोटिंग तैयार हो जाएगा। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। ये सब ये वो 3-4 कोटिंग बनाते हैं बहुत सारे लोग। हम बहुत सिंपल मेथड से बना रहे हैं केएफसी स्टाइल चिकन, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी बहुत ही इजी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो हमने इसे कर लिया मिक्स। इसे रखते हैं हम साइड में और अब हमें इसे भी कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो मैं इसी से इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमें इसमें। तो ये देखिए ये हमारा अंडा भी हो गया है मिक्स। तो चलिए अब हम चिकन को लेते हैं। चिकन का हमें एक और मैरिनेशन बनाना है, तो हम वो भी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो हमारा ये मैरिनेट हो गया है। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, सारा पानी मैंने इसमें से निकाल लिया है। तो अब हमें इसे जो ये जो हमारा नींबू और नमक का जो प्रोसेस होता है ना, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा गाइस, बिकॉज इससे जो हमारा चिकन का स्मेल होता है, जो चिकन की गंदगी होती है, वो बहुत निकल जाता है। तो
ये इसीलिए ये प्रोसेस इसीलिए होता है। तो अब हमें इसे मेन मैरिनेट करना है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ मैं गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी यही अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे गार्लिक पेस्ट और हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट ये ऐड कर रही हूँ। फिर हमें ऐड करना है सॉल्ट अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे कोटिंग में भी सॉल्ट है तो हमें एहतियात से सॉल्ट डालना है। तो मैं हाफ टी स्पून से भी करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अब मुझे इसमें ऐड करना है चिली पाउडर, चिली पाउडर या तो फिर आपके पास, मैं चिली डाल रही हूँ, चिली पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब मैं चिली पाउडर ले रही हूँ। और यहाँ मैं ले रही हूँ ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। मैं जीरा पाउडर ले रही हूँ हाफ टी स्पून। बस हमें इसे कर देना मैरिनेट अच्छे से, इसे हमें इसमें मिक्स कर लेना। आपके पास पाउडर हो जिंजर या गार्लिक का तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा मैरिनेशन है, बस हमारा एकदम सिंपल मेथड से केएफसी चिकन, केएफसी स्टाइल चिकन बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमने कर दिया अच्छे से मैरिनेट, इसे कोट कर लिया हमने सबने। अब हमें इसे 30 मिनट के लिए रखना है मैरिनेशन में, और फिर हम इसे फिर फ्राई करेंगे कोटिंग के बाद। तो चलिए सारी तैयारी हो गई है हमारी, तो हम अभी इसे करते हैं कोट। तो कोटिंग के लिए हमें पहले पीसेस लेने हैं, और हमें इसे पहले फर्स्ट कोटिंग में करना है ऐड, और हमें इसे कर लेना है अच्छे से कोट। देखिए इस तरीके से हमें दबा दबा के कोटिंग कर लेनी है एकदम अच्छे से। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से कोट हो रहा है। अब हमें करना है इसका एक्सेस रिमूव, इसे हम इसे एक्सेस को झाड़ लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैं इसमें झाड़ लेती हूँ अच्छे से। अब फिर अब हमें इसे डिप करना है अंडे में, ये तो हमारा सेकंड कोटिंग है, इसमें हमें अच्छे से करना है इसे डिप। और फिर हमें इसे करना है, फिर से हमें इसे में करना है कोट। तो चलिए हम फिर से इसे अच्छे से कर लेते हैं कोट। तो ये देखिए ये हमारा सेकंड थर्ड कोटिंग चल रहा है, ये एकदम सिंपल तरीके से एकदम फटाक से बन जाएगा ये हमारा केएफसी स्टाइल चिकन। इसे हमें कर लेना अच्छे से कोट प्रेस करके, ये देख सकते हैं। हमें इसका एक्सेस करना रिमूव, तो मैं इसे इसमें झाड़ लूँगी, इसका एक्सेस निकल जाएगा। ये देखिए ये हमारा चिकन केएफसी बन के तैयार है, हमें बस इसे करना है फ्राई। तो हम इसे रख लेंगे साइड पे, चलिए हम सेकंड पीस करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये मैंने पीसेस ले लिए हैं, इसे करना है मैं कोट अच्छे से। हम दबा दबा के हम अच्छे से कर लेना इसे। इसका एक्सेस निकाल ले छाड़ लेना है इस पर। अलग बर्तन ले लीजिएगा आप लोग। अब हमें फिर से करना है अंडे में डिप, इसे कर लेंगे। और फिर हमें इसे डालना है कोटिंग में, और फिर हमें इसे करना है कोट अच्छे से, दबा दबा के हमें इसे कोट करना है अच्छे से। हमारी कोटिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा लेयर बनेगा,
बहुत कम चीज़ों से मैंने केएफसी स्टाइल चिकन बनाया है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें इसे करना है, एक्सेस करना है मोमो अच्छे से, छाड़ लेते हैं। इस तरीके से हम सारे पीसेस को कर लेंगे। तो अब मैं इसे फ्राई करूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, तो अब हमें इसे गरम कर लेना है, एकदम हीट कर लेना है हमें इसे अच्छे से। तो चलिए मैं इसे हीट करके इसे हम फ्राई कर लेंगे। हो चुका है, तो चलिए हम इसमें एक एक करके पीसेस को डालते हैं। बिस्मिल्लाह। हमें इसे बस अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, तो हमें इसे अप डाउन करके इधर उधर पलट के हमें इसे पका लेना है, फ्राई कर लेना है अच्छे से, गोल्डन फ्राई कर लेना है हमें। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कलर कितने प्यारे हो गए हैं, ये देखिए, और बहुत ही क्रंची हो बनाए आप। मैं आप लोगों को शॉर्ट करके दिखाऊंगी। मुझे 5 से 10 मिनट लगे थे फ्राई करने में, बहुत ही कम सीट में ये हमारा बन गया है। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। वाह माशाल्लाह, कितने अच्छे कितने अच्छे, ये देखिए आप कितना क्रंची है, इसके स्मेल एकदम केएफसी स्टाइल। वाह बहुत ही अच्छे बने, ये देख सकते हैं आप, इसमें से आवाज़ें आ रही हैं, कितना अच्छा बना है ये। आप ये जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी बने हैं ये। वाह, तो केएफसी स्टाइल चिकन बन के तैयार है हमारा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। तो अल्लाह हाफिज़।